दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों कहीं पिछले 15-16 साल से मैं ऑकल्ट साइंस के ऊपर काम कर रहा हूँ, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी, राइट। और ये जो एनर्जी जो होती है ना दोस्तों, ये अपने इमोशंस से जुड़ी होती है, ये हमारे एक्शन से जुड़ी होती है, ये ब्रह्मांड के वो सारे स्पेस से जुड़ी होती है, राइट। तो अगर आपके किसी सेक्टर्स में, लाइफ के किसी डिपार्टमेंट में, अगर हेल्थ का डिपार्टमेंट हो गया, मानसिक शांति का डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल का डिपार्टमेंट एक हो गया, सक्सेस का डिपार्टमेंट एक हो गया, रिलेशंस का डिपार्टमेंट एक हो गया, राइट। अगर आप किसी चीज में काम कर रहे हो, किसी वहां पर आपको स्ट्रगल बढ़ जा है, तो स्ट्रगल का एक डिपार्टमेंट हो गया, बराबर। आपके शरीर में कहीं पे हेल्थ इश्यू बन पा रहा है, उसका एक डिपार्टमेंट हो गया, राइट। और बहुत बार अगर आपकी किसी के साथ में नहीं बन रही है, आपके साथ में कोई गलत घटना हो रही है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, वैसे डिपार्टमेंट। जो दोस्तों अगर आप फोकस कर रहे हो अपने शरीर के ऊपर, और कहीं पर आप चाह रहे हो कि मेरा लॉ वेट जो है वो धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाए, जिसे मैं अच्छी तरीके से काम कर सकूं। दोस्तों चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक अच्छी पोजीशन में पोस्टेड हो, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई कोई भी काम कर रहे हो छोटा मोटा, बराबर, चाहे आप पढ़ रहे हो, अच्छी जॉब पे हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स में या प्राइवेट सेक्टर्स में, जहां पर भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी चीज में, आप में या घर में भी, अगर आपके जीवन में गौर करना, ये बात बहुत दावे के साथ में मैं आपको बता रहा हूं, गौर करना मेरी बात को, कि अगर आपके जीवन में कंप्लेंट्स बहुत आ रही है, आई रिपीट द पर्टिकुलर सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड द कंप्लेंट्स बहुत आ रही है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैं तो सब काम कर रहा हूं सर, मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूं, राइट। कंप्लेंट्स बहुत आ रही है, तो आपको ये सभी सेक्टर्स में लाइफ के आपको रिजल्ट नहीं आएगा, समझ लो मेरी बात को, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर, बराबर है। पति के बारे में बहुत कंप्लेंट्स है, बीवी के बारे में बहुत कंप्लेंट्स है, बच्ची के बारे में बहुत कंप्लेंट्स है, माता जी के बारे में बहुत कंप्लेंट्स है, पिताजी के बारे में बहुत कंप्लेंट्स है, सास के बारे में बहुत कंप्लेंट्स है, ससुर के बारे में बहुत कंप्लेंट्स है, फलाना ढिमका बंदे के बारे में बहुत कंप्लेंट्स है, किसी को अपने बॉस से बहुत कंप्लेंट्स है, किसी को अपने कलीग से बहुत कंप्लेंट्स है, कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, किसी को जो गाड़ी चला रहा है उसके उससे भी वो उसकी कंप्लेंट्स है, जिस घर में रहता है कभी कभी उसको भी लेकर कंप्लेंट्स करता है। और बहुत, तो ये आदत ऐसी बन जाती है कि छोटी छोटी चीजों में कंप्लेंट्स बहुत आती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही उसके बारे में भी कंप्लेंट्स हो जाती है, तो धीरे 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 ये चीज बढ़ जाती है दोस्तों। और हमको हमारे लाइफ में, हम 100% मेहनत करने के बाद भी हम सक्सेस नहीं हो पाते किसी भी चीज में। गुरु होता है, मेंटर होता है, वो आपको अच्छा रास्ता बताता है,
उस रास्ते से आप सही तरीके से चलते हो। आई रिपीट द सेंटेंस, उस रास्ते से आप सही तरीके से चलते हो तो जो हजारों लोगों को मिल रहा है वही प्रकृति का नियम सभी के लिए सटीक है और सेम है। समझो मेरी बात को। एक 25वें मजले के ऊपर एक बहुत बड़ा रिच पर्सनैलिटी बैठा है, उसके बगल में ही बिल्कुल जिसका जिसको फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, जो बेचारा भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा है, बराबर है, और दूसरा जो रिच पर्सनैलिटी है उसकी कई हजार करोड़ों की संपत्ति है, उसके बगल में जो बेटा है उसके पास में खाने के लाले पड़े हुए हैं। दोनों 25वें मंजिले पे बैठे हैं और एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि दोनों का बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। तो अभी प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति ये डिफरेंशिएट नहीं करेगी, अरे भाई इसके पास तो दो चार पांच हजार करोड़ रुपए, इसके पास में बहुत बंदा फाइनेंशियल तगड़ा है, इसको मत गिराओ। हाँ, जिसके पास में फाइनेंशियल कंडीशन जिसका है ही नहीं, वो अभी कुछ भीख मांग के खा रहा है, उसको गिराओ। ऐसा कभी होता है क्या? तो प्रकृति का यह सटीक नियम है, चाहे वो कोई भी बंदा हो जो 25वें मंजिले पे बैठा हो, उसका अनबैलेंस हो, वो नीचे ही गिरना है, राइट? लॉ ऑफ कर्मा, द पावर ऑफ नेचर, द पावर ऑफ यूनिवर्स। तो ये जो यूनिवर्स का जो नियम है वो इतना सटीक काम करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन है, क्या है, आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, आप देश के राजा हो, आप बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हो, वो खाली आपको उस नियम से जो भी जुड़ी बातें हैं वो आपको देगा जो आप इमोशनली करते हैं। अगर आप कंप्लेंट्स 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 करते जा रहे हो तो आपके लाइफ में हजारों श्रृंखला बन जाएगी कंप्लेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कंप्लेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और लाइफ में आप सेटिस्फैक्शन नहीं ले पाओगे। रिपीट द सेंटेंस, सेटिस्फैक्शन, खुशी आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप कहेंगे सर इस तो हमने क्या करना चाहिए, बताता हूं। मेंटर जो होता है दोस्तों, मेंटर जो होता है, गुरु जो होता है, जिनको भी गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, गुरु की ब्लेसिंग प्राप्त हुई है, गुरु एक ऐसा बंदा है कि एक सर्टन टॉप लेवल के ऊपर वो बैठा है, उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, और सामान्य नागरिक सामान्य पब्लिक जो होती है ना वो बॉटम में है। गुरु जो बताता है, कभी कभी वो ऐसे लगता है कि इथिकल नहीं है, ये तो मैजिकल चीज है, या ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, फलाना फलाना ब्ला ब्ला ब्ला। गुरु मेंटर कहता है कि भाई ज्यादा कुछ मत कर, चल के देख ले, इस एनर्जी के साथ में काम करके देख ले तो तेरा जीवन बदल जाएगा, राइट? और जैसे वो धीरे 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 जो बंदे उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, वो अपने लाइफ में 200% ट्रांसफॉर्मेशन पाते हैं। अभी जैसे मैंने सॉल्यूशंस की बात कही है, तो सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, और ये सॉल्यूशंस का होता है एनर्जी एक्सचेंज। इस ब्रह्मांड में हम जो दे रहे हो वो हर चीज एनर्जी एक्सचेंज है। आपको पीड़ा हो रही है, इसका मतलब आप किसी को पीड़ा दे रहे हो। आपके आपके जीवन में दुख है, इसका मतलब आप किसी और को दुख दे रहे हो। आपके जीवन में अगर कहीं पर
पैसों की तंगी या प्रॉब्लम चल रही है, इसका मतलब आपने भी किसी को देने में कंजूसी की, हेल्प नहीं किया होते हुए भी, और किसी को आपने उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया, तो वो आपके साथ में हो रहा है। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो इसका मतलब यह है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसमें भी लिथार्जी नहीं बनना है। बहुत सटीक बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके परिवार का एक बंदा भी इसे सीख ले तो मैं दावे के साथ में कहता हूं पूरा परिवार एक दिन ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। और जब एक परिवार ट्रांसफॉर्मेशन करता है तो एक जिसे कहते हैं ना वो एरिया जिसमें आप रहते हो वो ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। एक एरिया, एक वो गली जो है वो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करती है तो उसका दायरा बढ़ जाता है, वो सिटी में कन्वर्ट होती है, सिटी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन के वो एक स्टेट में कन्वर्ट होती है, स्टेट एक कंट्री में कन्वर्ट होती है, और अलग अलग कंट्रीज ये पूरा पृथ्वी जिसे कहते हैं हम लोग अर्थ प्लैनेट ये क्रिएट होती है, और पूरा जब क्रिएशन होता है तो ये ब्रह्मांड के साथ में ये कनेक्ट हो जाता है। अभी मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से आपको वो सॉल्यूशंस को ऊपर गौर करना है। आप जहां पर भी रहते हो, जो भी काम करते हो, जिसके भी साथ काम करते हो, जिस घर में आप रहते हो, आपके जीवन में जो भी कोई आ रहा है, हर चीज उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, आभार, हम ग्रैटिट्यूड ही कर पाते भाई, बराबर। ये मेरे पीछे चेयर दिख रही है, इससे क्या ग्रैटिट्यूड करना है सर, इसे ग्रैटिट्यूड कीजिए। जो मैं ये छोटी छोटी बात बताता हूं, घड़ी जो है क्या आप इसको मतलब पड़ी, ग्रैटिट्यूड कीजिए। ये मैं छोटी छोटी चीज की बता रहा हूं, इसको आपको आदत लग जाएगी। जिस घर में आप रहते हो उसको ग्रैटिट्यूड कीजिए, उससे धन्यवाद करिए कीजिए, पूरा परिवार आपका संभाल रही है, आपके अपने वहां पे खुशी भी आपने देखी है और आपका यहां तक संसार भी आ रहा है, तो ग्रैटिट्यूड कीजिए उस घर को, ग्रैटिट्यूड कीजिए, धन्यवाद कीजिए वो सारे परिवार के सदस्यों को जो अभी आपके साथ में है, ग्रैटिट्यूड कीजिए अपने ये शरीर को, ग्रैटिट्यूड कीजिए हर वो मेंटर को, हर वो गुरु को जिसने आपके जीवन में एक उजाला कर दिया है, एक ज्योत जला दी है, और वो ज्योत निरंतर इतनी उसका आभा इतना फैल रहा है कि आपका सक्सेस अभी दुनिया देख रही है। आपके माता को ग्रैटिट्यूड करो, पिता को ग्रैटिट्यूड करो, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, आपके दोस्त, आपके कलीग, आपके बॉस, जहां पर काम करते हो वो वहां पर, जो प्रोडक्ट के लिए काम करते हो वो प्रोडक्ट, जिस फैक्ट्री में काम करते हो वो फैक्ट्री, उसके मशीनरीज, जहां पर आप जाते हो वो उसका सराउंडिंग, जो भी आपको कुछ देता है वो बंदे का ग्रैटिट्यूड कीजिए। जो भी चीज आप खाते हो उसका ग्रैटिट्यूड कीजिए, चाहे वो अन्न का है कण हो उसको ग्रैटिट्यूड कीजिए, उसको धन्यवाद कीजिए। अन्न के साथ में जो प्लेट्स में हमने उसको परोसा है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप बोलेंगे सर ये छोटी छोटी बात क्या बता रहे यार, ये इसमें क्या ग्रैटिट्यूड वाली, इसमें क्या होगा। आपके लाइफ के 21 दिन मांग रहा हूं मैं, 21 दिन जो चीज आपको दिख रही है उसका खाली ग्रैटिट्यूड करो, तो घर का टेबल हो, टीवी हो, फर्नीचर हो, आपका गैस हो, जो आटा आप गूंजते हो, बराबर, आटे से आप रोटियां बनाते हो, उस रोटी को, उस आटे को आप धन्यवाद करो, जो पानी से आप नहाते हो उस पानी को धन्यवाद करो, जो पानी आप पीते हो उस पानी को धन्यवाद करो, खाली धन्यवाद करना है। मैं 21 दिन कह रहा हूं, तीसरे दिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा, तीसरे दिन आपके साथ में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएगा,
आपके साथ में वही चीज अट्रैक्ट होगी जिसके बारे में आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। आपके जीवन के हर एरियाज में वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी जिसे आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, चाहे उस पृथ्वी में कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो। आई रिपीट द सेंटेंस, कहीं पर भी हो, यू आर द पावर ऑफ यूनिवर्स विच इज कंटिन्यूअसली वर्किंग विद इन यू। बस आप फ्रीक्वेंसी चालू कर दो ग्रेटिट्यूड के बारे में, आपके रिलेशंस अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, आप ग्रेटिट्यूड करो, शरीर को धन्यवाद करो, आपकी हेल्थ अच्छा होना शुरू हो जाएगी। अब जहां पर काम कर रहे हो उसको ग्रेटिट्यूड करना शुरू हो जाएगा, आपके वो संबंध भी अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। जो बिजनेस लेके बैठे हो उसको ग्रेटिट्यूड करो मेरे भाई, जो पैसा आपके पास में है आपके जन्म से लेके आज तक, जन्म से आपको जैसे हम लोग जन्म लेते हैं वैसे हम लोग कमाना शुरू कर देते हैं क्या? सर बोलेंगे सर ये क्या बता रहे बोल रहे यार, बिल्कुल भी नहीं, सही बात है। लेकिन हमको हर चीज मिलती है, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं अच्छे अच्छे, गाड़ी मिलती है, मोबाइल मिलते हैं, खर्चा कौन कर रहा है? माता पिता खर्चा कर रहे हो। कभी ग्रेटिट्यूड किया माता पिता का? कभी ग्रेटिट्यूड किया उस पैसे का जो आपके एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो रहा है? वो तो आ रहा है ना कैसे, लेकिन उसका आपको प्राइस नहीं मालूम, उसका वैल्यू नहीं मालूम। जैसे ही आप उस सारी चीज के बारे में ग्रेटिट्यूड करेंगे जो बचपन से लेकर अभी तक आपके साथ में जो खर्चा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं उस प्रकृति को मैसेज दे रहे हैं कि इसके पास में पैसों का साम्राज्य अट्रैक्ट करें। 21 दिन, भले तीसरे दिन में आपको मैजिक रिजल्ट इसका आ जाए, 21 दिन इसको नहीं छोड़ना है। जिस रोड से आप जा रहे हो और अच्छी तरीके से गाड़ी चल रही है उस रोड को धन्यवाद करो, कितने लोगों ने मेहनत ली है उस रोड को बनाने के लिए, कितने लोगों ने अपना पसीना वहां पर बहा है उस रोड को बनाने के लिए मेहनत की है, वो पैसा कहां से आया है? वो सरकार जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप धन्यवाद करो। अगर मेरा वीडियो आप किसी कंट्री में देख रहे हो तो आपके कंट्री को, उस कंट्री के गवर्नमेंट को आप धन्यवाद करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीडियो आज का थोड़ा बड़ा होगा लेकिन 100% आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाके खड़ा कर देगा। सिर्फ ग्रेटिट्यूड और नेवर सिंगल कंप्लेंट्स आपको करना नहीं है, इसकी भी आदत बना लो। अरे मैं कंप्लेंट्स तो नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ा ऐसा होता है ना कि सब्जी ही अच्छी नहीं बनी तो बीवी को फला 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 बोलने लग गए, नमक ही ज्यादा गिर गया तो फला 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 बोलने लग गए। ग्रेटिट्यूड करो भाई, कभी बोला है क्या अपने माता, अपने बहन, अपने वाइफ को कि सब्जी बहुत बढ़िया बढ़िया आज तेरे हाथों में जादू है और थैंक यू तू खिलाती है तो मैं पूरा जीवन एनर्जेटिक रहता हूँ, पूरा दिन मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। करना शुरू कर दीजिए। बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि कहीं सास की मुझे कंप्लेंट्स आती है अपने बहू के बारे में, कभी बहू कंप्लेंट्स लेके आती है और कहीं जिंदगी मैं उस ब्रह्मांड को धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इसलिए चुना है और मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं कि कहीं हजारों जिंदगियां बन गई है और वो उनके ऊपर वो ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गई है। तो अगर बहू कहीं कंप्लेंट्स कर रही है तो अपने सास को, मेरी बहन, धन्यवाद करना शुरू कर दें, अपने पति को धन्यवाद करना शुरू कर दें। और कोई सास को अगर कंप्लेंट्स है अपने बहू के बारे में तो मैं माता जी आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बहू के बारे में आप कंप्लेंट्स करना बंद कर दें, ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें। बहू जो है वो अपने सास के बारे में कंप्लेंट्स ना करे, ग्रेटिट्यूड करे। सास है अपने बहू के बारे में कंप्लेंट्स ना करे, ग्रेटिट्यूड करे। देखे इसका मैजिक कितना बड़ा होता है। कई घरों को मैंने टूटने से बचाया है मेरे दोस्तों। घर टूटता है तो यहाँ पर जो दर्द होता है उस दर्द को आप जिंदगी भर अपने अंदर पनपने देते हैं। और मेरी बहन, जिस घर में भी तू है तो ख्याल रखे,
जो तू कर रही है वो तेरे साथ में 200% होने वाला है। तो कभी अपने सगे संबंधियों से कंप्लेंट्स नहीं करना, ग्रैटिट्यूड करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो कई लोगों को, हम माफ ही नहीं कर पाते। सबसे पहले इसका भी मैं जरिया आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। वो बंदा जो भी हो, जैसा भी हो, एक्सेप्ट एवरीवन एज द वे दे आर। वो जैसे भी है वैसे उन्हें आप एक्सेप्ट करें, तो यहां पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ब्रह्मांड में मैसेज चल जाएगा, भाई इसने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में नहीं पटती है, नहीं जमता है। डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, तो क्यों? एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है आपस में, एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा है। एक्सेप्ट करे, वो जैसे भी है, वो जैसी भी है एक्सेप्ट करे। सांस अपने बहू को एक्सेप्ट करे एज द वे दे आर। अब होगा क्या? एक्सेप्ट करने के बाद में दूसरा ऑप्शन है, अगर कुछ गलती उनसे हुई है जाने अनजाने में, जिसकी वजह से आपको पीड़ा हो रही है, वीडियो बड़ा होगा लेकिन पूरा देखना है। इससे आधे से छोड़ोगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है जो अभी तक आपको नहीं मिला है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको वो चीज मिलना शुरू हो जाएगी दोस्तों, जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो। तो एक्सेप्ट करिए। दूसरे बात में क्षमा करिए। हम क्षमा ही नहीं कर पाते। आपके कॉर्ड्स जो जितने इस ब्रह्मांड में बने हैं, आपके शरीर के साथ में मल्टीपल कॉर्ड्स, अगर मोबाइल में 2000 नंबर से, तो 2000 नंबर के कॉर्ड्स आपके साथ में हो गए, तो ये भी अपना स्पिरिचुअल मोबाइल है। और कई कॉर्ड्स अपने अंदर आ रहे हैं जो दिख नहीं रहे, अलग अलग तरीके से, उसमें से 90% निगेटिव है। तो किसका सहस्त्र ब्लॉक हो गया, किसका हार्ट ब्लॉक हो गया, किसका पेट ब्लॉक हो गया, किसका मूलाधार चक्र ब्लॉक हो गया, ब्लॉक करके बैठे हैं, लाइफ को समझ ही नहीं पा रहे। पहला एक्सेप्ट, दूसरा क्षमा, और तीसरा खुद को भी क्षमा करना है, क्योंकि खुद से भी बहुत कुछ बोल दिया हमने। अच्छा, मुंह पे नहीं बोला लेकिन उसके पीठ पीछे तो बोला, चार दीवार के इसमें बीच में बुरी बुरी गालियां दे दी। इसको तो मैं ये कर दूंगी, उसको तो मैं वो कर दूंगी, इसको तो मैं ये कर दूंगा, वो तो फलाना है, ढमका है, और बहुत स्पेशल स्पेशल गालियां निकलती कभी किसी से तो, कि वो सुने तो कान में से खून निकलेगा, इतनी स्पेशल गालियां होती है। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, आप बोल रहे हो, मालूम है आप बोल रहे हो। और कई सालों बाद में आपको होता है ना ऐसा, कई सालों बाद में आपको वो गालियां कोई दूसरा दे रहा होता है, उसी अंदाज में, उसी रिपीटेशन में, उसी भाव में, तो समझ जाओ मेरी बात को, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा मैजिक है, बहुत बड़ा मैजिक है। इसकी बात को समझ जाओ, अपने को भी क्षमा करे और उनसे भी क्षमा मांगे। 21 दिन बहुत बड़ी चीज है, आपकी हेल्थ क्योर होना शुरू हो जाएगी। जिस डॉक्टर के पास भी आप जा रहे हो ना, बहुत दवाई ले रहे हो भाई और चल रहा है कई सालों से, उस डॉक्टर डॉक्टर को भी ग्रेटिट्यूड कर दो यार, उस मेडिकल शॉप को भी ग्रेटिट्यूड कर दो, उस मेडिसिन को भी ग्रेटिट्यूड कर दो। धीरे 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 ये होगा, वो आपके मेडिसिन डॉक्टर ही बोलेगा, आपको अभी इतना मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेडिसिन लेस हो जाओगे और बल्ले बल्ले खुश रहना सीख जाओगे, खुश रहना सीख जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो बड़ा हो रहा है ना, बहुत बड़ा हो रहा है। अगर आपको लगता है बहुत पका रहा हो तो बंद कर दो, बहुत पका रहा है सर आप, लेकिन आप यहां तक आ गए तो आप संभल गए चीज को, आप समझ गए कि नहीं, मेरे जिंदगी में सर एक सूरज को लेके आना चाहते हैं और ये उसका जरिया है। तो जैसे दोस्तों मैं सूरज की बात कर रहा हूँ, सूरज वही चीज मैं आपको बताऊंगा। कोई बेचारा जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो है, लो है, और जिसका अब जो करोड़ की प्रॉपर्टी है, सूरज ने कभी डिफ्रेंशिएट किया है? इसके ऊपर काय को डालना प्रकाश, थोड़ा सा भी अलग लैंग्वेज में आपको बात करूँ, लैंग्वेज। अरे इस बंदे के ऊपर काय को
रोशनी डालना इसकी, तो कुछ करता ही नहीं है। एक तो बहुत अब जो इनकम कर बैठा है राइट, उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करे, उसके ऊपर ही सारा रोशनी दे। कभी डिफरेंशिएट किया है दोस्तों? आप बोलेंगे सर ये तो नहीं, क्या डिफरेंस, डिफरेंशिएट सभी के ऊपर एक जैसा लाइट उस ब्रह्मांड ने दिया है। ऑक्सीजन सभी को मिल रहा है ना भाई, जो काम कर रहा है उसको भी मिल रहा है, जो नहीं कर रहा उसको भी मिल रहा है, जो लिथार्जी होकर बैठा है घर में उसको भी मिल रहा है, जो कुछ ना के दो टाइम फोकट का खा रहा है उसको भी मिल रहा है, और जो दुनिया हिला के अपने देश को बचा रहा है उसको भी मिल रहा। तो प्रकृति का ये सटीक नियम है, वो डिफरेंशिएट नहीं करती सब पे, वो पैरेलल वर्क करती है, पैरेलल ब्लेसिंग करती है। कभी वो सूरज को धन्यवाद किया, उस ऑक्सीजन को धन्यवाद किया जो आप रोज ये पेड़ बिचारे ये रोज हमको ऑक्सीजन दे रहे? देना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो, धन्यवाद उसको देना शुरू कर दो। और अगर कोई एस्थेमेटिक पेशेंट है, मैं गौर कर रहा हूं, वो ग्रेटिट्यूड दे रहा है, तो दोस्तों आपका अस्थमा अगर ठीक हो जाता है तो ये मिराकल्स आपने किया है। यस, उस प्रभु को धन्यवाद करो, उस ब्रह्मांड चेतना शक्ति को धन्यवाद करो, वो परमपिता परमेश्वर, वो समस्त गुरुमंडल जो कहीं से भी पकड़ के आपके पास में वो हरी हरी हर सब चीज हर ब्लेसिंग लेके आ रही है, उसको ग्रेटिट्यूड करो राइट। ऑक्सीजन को जैसे आप ग्रेटिट्यूड करते तो आपका शरीर का ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है मेरे भाई। जिस धरती पे हम लोग चल रहे हैं ना उससे ग्रेटिट्यूड कर लो। जो अग्नि हमारे जीवन में हर सेक्टर्स में काम कर रही है, अगर अग्नि नहीं है तो फिनिश, उस अग्नि को धन्यवाद करो। जो स्पेस में हम लोग रह रहे हैं, ये बड़ा सा स्पेस जो है ना ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, तो उस आकाश को धन्यवाद करो। और हमने क्या कर दिया उस आकाश को, अभी छोटे से दायरे में हमने बंद कर दिया। छोटा दायरे द सेंस द वास्तु, फिर से मैं वही चीज पे आ रहा हूं कि आप कैसे रिजल्ट ले सकते हैं एक वास्तु से। आपका घर अभी जैसा भी बना उसमें बहुत प्रकार का वास्तु दोष है, तो दोस्तों एक सबसे एक प्रिंट कर लेना, बात एक लिख लेना, आपको किसी किसी ने कुछ अमका ढमका कुछ बोला तो आपको तोड़फोड़ नहीं करना है वास्तव में। एक बार एनर्जी बन जाती है तो बन जाती है, तोड़फोड़ करेंगे तो वो नुकसान होगा। इस ब्रह्मांड में इतने नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए कि बिना तोड़फोड़ किए हुए उस एनर्जी को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। मैं गौर से मेरी बात को सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके घर में किसी ने आपको बोल दिया कि आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष है जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बिना तोड़ फोड़ किए विदाउट एनी डिमोलिश और शिफ्टिंग एनी स्ट्रक्चर, आप वहां पर 100% रिजल्ट ले सकते हैं विद एंथुसियास्टिक विद वेरी पॉजिटिवनेस। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस अलग अलग सेक्टर्स में, उस स्पेस में जो जो आपने चीज वहां पे बनाई है उससे कनेक्टेड है, और सेम एनर्जी वो आपको इमिट कर रहा है। तो ये एनर्जी का एक फंडा मैं आपको बता रहा हूं। और जैसे मैं आपको ये पंच तत्वों का, ये फाइव एलिमेंट्स है, हम इसको ग्रेटिट्यूड क्यों करना है, क्योंकि ये हम पर क्या कर रहा है, अनकंडीशनल लव दे रहा है। दे रहा है ना अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन डाली उसने? तू काम करेगा भाई तभी मैं तेरे ऊपर रोशनी डालूंगा, सूरज ने कभी बोला है क्या? तू जब ठीक से रहेगा तो मैं तेरे को ऑक्सीजन दूंगा, कभी बोला है? हवा ने, उस ऑक्सीजन ने, वो दधी जो बहती है वो, उसने कभी कहा है कि अगर तू कोई बंदा बहुत पाप का काम कर रहा है भाई तो तू आएगा तो मैं रुक जाऊंगी और वहां से निकल जाएगी, तो पुण्य का काम करा मैं तेरे पास में आऊंगी। ये पाप पुण्य का मैं और एक वीडियो इसकी बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन मैं फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि वहां पर जो बंदा गलत है, जो बंदा सही है,
दोनों को एक ही तरीके से ब्रह्मांड अनकंडीशनल दे रहा है, कोई कंडीशंस नहीं है। आप आपके घर में कितने सही है, आप आपके घर में अपने रिश्तेदारों से कितने गलत है, ब्रह्मांड को एक ही काम है, एक ही चीज है, वो खाली देता है। तो अनकंडीशनल प्रेम करे सभी के ऊपर जो ब्रह्मांड हमसे करता है, कोई कंडीशंस नहीं है सासू माँ की। तो इस तरीके से ही मुझे, मेरे साथ में आप रहे, कुछ कंडीशंस नहीं है बहू को कि तो ऐसा करेगी तो ये मैं तुझे प्रेम करूंगी, विदाउट कंडीशंस। माँ अपने बच्चों को भी कंडीशन डालती है क्या? तो माँ ही तो ब्रह्मांड का रूप है मेरे भाई, माता ही सिखाती है ना कि अनकंडीशनल। वो बंदा उसका गुंडा भी होता है तो वो अनकंडीशनल लव करती है, और बंदा उसका कि अच्छे सेक्टर्स में अच्छा काम कर रही हो तो उसको भी अनकंडीशनल लव करती है। अगर 5 बच्चे हैं घर में, कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई बहुत बुरा काम कर रहा है, सभी को वो सभी तरीके से सेम तरीके से प्रेम करती है। तो कहीं ना कहीं हमारी माता जो है उस ब्रह्मांड के नियम को वो काम कर रही है उसके ऊपर। और मालूम ही नहीं हमारे दूर दूर तक कि हमारा ब्रह्मांड भी, हमारा यूनिवर्स भी इसी तरीके से काम करता है। तो सभी को दोस्तों अनकंडीशनल लव करना शुरू कर दो, अनकंडीशनल प्रेम करना शुरू कर दो। आपके जीवन में वो खुशी, वो दौलत, वो सेहत, वो आनंद, वो सक्सेस, जो भी आप चाहते हो वो मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो। आप खुशी चाहते हो, आप लोगों को खुशी देना शुरू कर दो। आप सेहत चाहते हो तो लोगों को सेहत के बारे में बताना शुरू कर दो। आप को पैसा चाहिए तो पैसा देना शुरू कर दो। बहुत लोगों के पास में पैसा बहुत होता है लेकिन देने का ही माइंड नहीं होता है। और कितना देना भाई, मेरे इसका भी मैं अपना रेशो बताता हूं। कुछ परसेंटेज, 5 to 7% और 10% जो आपकी इनकम है उसको आप इस तरीके से खर्चा करो, किसी की हेल्प करके, किसी गरीब को देके, किसी का पेट भर के, किसी को कुछ कपड़े देके, किसी को कुछ गिफ्ट देके, वो जो भी परसेंटेज है आपको उस परम पिता परमेश्वर, उस ब्रह्मांड चेतना शक्ति को पार्टनर बना लेना है। आप जिनको भी पूछते हो, और उनका उनका ही काम, वो ये कहते हैं कि मेरा काम ये कर रहा है, अब इसका काम मैं करता हूं। तो आपके जीरो बनना शुरू हो जाएंगे एक के ऊपर, और वो पैसा जो आएगा वो पैसा आपको सटीक तरीके से काम करेगा, विथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्स। बहुत बार ऐसा भी होता है, इसी में इसको कहता हूं कि एनर्जी एक्सचेंज। आप जो एनर्जी दे रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो उससे आपको एक्सचेंज मिल रहा है, एनर्जी एक्सचेंज मिल रहा है। तो पैसा बोलना भी बंद कर देना, बोलना लोगों को यार तुम लोगों को एनर्जी एक्सचेंज दे रहा है, कोई पेमेंट कर रहा है आपको बराबर, कोई आपको सैलरी दे रहा है तो वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, तो उस सैलरी को भी धन्यवाद करे, उस पैसे को भी धन्यवाद करे। वीडियो बड़ी हो रही है ना भाई मेरे, क्योंकि मजा आ रहा है ना, मजा आएगा, 200% मजा आएगा। ये सारी चीज को आप काम करना शुरू कर दो आपके जीवन में, आपके आंखों से आप जो भी देख रहे हो उसको धन्यवाद करना शुरू कर दो। कोई एम्बुलेंस में आपके सामने जा, एम्बुलेंस जा रही है, आपका कुछ लेन देन नहीं है, कोई आपका पहचान वाला नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, फिर भी आप उस एम्बुलेंस में जो भी बंदा वहां पर है तो उसे ब्लेसिंग दो, उसको उसके लिए प्रे करो कि जल्द से जल्द ये ब्रह्मांड चेतना शक्ति प्रभु आपको जल्द से जल्द बड़ा करे, अच्छा करे, ठीक करे, और आप स्वस्थ हो कि आपके घर में जल्द से जल्द आइए, आपका परिवार खुश हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य पूर्ण हो। दोस्तों 34 मिनट्स का वीडियो हो गया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने भी 34 मिनट्स कंप्लीट किया है उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और प्यार से मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस ब्रह्मांड के नए जीवन में। आप हर चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। जो गाड़ी है, गाड़ी ना बहुत प्रॉब्लम दे रही, उसको धन्यवाद करना शुरू कर दो, वो गाड़ी का वो आपको मेंटेनेंस ही नहीं देगी, बहुत प्यारी चलेगी एकदम। चलो, बहुत ग्रेटिट्यूड का भाव समझ में आ गए, नो नेवर कंप्लेंट्स का भाव समझ में आ गए, अनकंडीशनल लव के बारे में आप समझ में आ गए बराबर है, और आपको ये समझ में आ गया जो हम लोग देंगे वो हमको मिलेगा।
फिर 5 साल 10 साल बाद में मिलेगा, मिलेगा जरूर, हमको नहीं मिला तो हमारे बच्चों को मिलेगा, क्योंकि डीएनए काम कर रहा है। तो माफ कर दो सभी को, ऊपर वाले जितने भी एंसेस्टर है उनको भी माफ कर दो, अगर कुछ गलत हुआ है अपने से, उनसे कुछ गलत हुआ है तो उनको माफ कर दो, और नीचे के जो भी अपने बंदे हैं उनको भी माफ कर दो, छोटे बड़े बराबर, अपने आजू बाजू जितना भी आप है उन सभी से आप ग्रेटिट्यूड करो, धन्यवाद करो, और देखिए आपका पूरा ब्रह्मांड आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आता है। तो चलिए सभी से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपको ये ब्रह्मांड भर भर के दे हर चीज जो आप चाहते हो, बस आपको समझना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। अब जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो, अब जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो, अब जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, बस देना शुरू कर दो। थैंक यू।